बाहर हो रहा है बारिश, अगर आप लोग देख पा रहे हो, मुझे नहीं लगता कैमरा कैप्चर कर पाएगा, और बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग भी है, तो मैंने कंप्यूटर वगैरह ऑफ कर दिया पूरा, इसका स्विच भी ऑफ कर देता हूँ, ऑफ। तो है गाइस, व्हाट्स अप, सुमित दिस साइड, वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द बिजनेस। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो अभी एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल है वो है 2,35,000, और उसी में से हम लोग इस बिजनेस को चलाएंगे। तो पिछले 15 दिन से उस वीडियो को बनाए हुए 15 दिन तो हो ही गया है, 14 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था, मतलब 14 तारीख का मैंने वीडियो आप लोगों को दिखाया था, 14 तारीख से आज है 31 जुलाई 2023, तो लगभग 15-16 दिन हो गया है। तो टोटल हम लोगों ने कितना सेल किया है, कितना होम डिलीवरी किया है, कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, हम लोग सिर्फ अभी इस ग्रॉसरी बिजनेस पे रुकेंगे नहीं, अलग अलग बिजनेस भी ट्राई करेंगे और बहुत सारा पैसे भी कमाएंगे, और सारा चीज़ मैं डॉक्यूमेंट्री करके आप लोगों को दिखाऊंगा भी। तो फिलहाल मैं एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी जो मार्केट का जो हालत है वो बहुत डाउन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाइप में है। ये रिटेल स्टोर में, ग्रॉसरी स्टोर में, ग्रॉसरी बिजनेस में थोड़ा मार्केट इधर उधर होता रहता है, लेकिन पिछले 2 महीने से आप मान के चलो थोड़ा डाउन ही है। इसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न है मेरे यहाँ पे इस एरिया के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं सारा डिटेल्स दिखाने के बाद, देखो डिटेल्स में क्या क्या दिखाऊंगा मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, डिटेल्स में दिखाऊंगा कि आज का कितना सेल है, कल का कितना सेल है, पिछले 15 दिन में कितना सेल है, और पिछले 1 महीने में, इस पूरे जुलाई महीने का पूरा सेल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, हम लोगों ने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए वो मैं दिखाऊंगा, हम लोगों का कितना टोटल प्रॉफिट है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसे देखने के बाद या तो कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे या फिर कुछ लोग मोटिवेट भी हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को डीमोटिवेट या फिर मोटिवेट नहीं होना है। पूरा चीज़ मैं इसलिए दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोग जो एक्चुअलिटी है, जो रियलिटी है, वो आप लोगों को समझ में आए। तो पहले मैं क्या करता था ये मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। इस बिज़नेस में जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि रेंट हो गया, क्योंकि ये मेरा फैमिली प्रॉपर्टी है तो मुझे फैमिली को थोड़ा मुझे रेंट देना पड़ता है, और एम्प्लॉई का जो कॉस्ट है वो मुझे देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो मुझे पे करना पड़ता है, और छोटे मोटे जो भी खर्चा होता है वो मुझे पे करना पड़ता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो भी प्रॉफिट वगैरह बचता था वो मैं उठा लेता था। लेकिन आज से क्या करेंगे, मतलब इस महीने से मैंने डिसाइड किया, क्योंकि पहले हम लोगों के पास 4.5 लाख का इसमें इन्वेंट्री हुआ करता था, तो अभी हम लोगों के पास वो 2,35,000 है, तो 35,000 भी नहीं है, मैंने 10,000 उठा लिए हैं, 2,25,000 है अभी फ़िलहाल, तो 2,25,000 हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, तो थोड़ा हम लोगों को तो प्रॉब्लम तो होएगा ही होएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि जितने भी प्रॉफिट वगैरह होगा उसमें से 70% हम लोग इसी में इन्वेस्ट कर देंगे, और 30% हम लोग अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो चाहे वो जितना भी छोटा अमाउंट हो, चाहे वो 2,000 हो, 5,000 हो, जितना भी हमारे पास अमाउंट आएगा उसको हम लोग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और उसमें से पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा प्लान है। और हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके से हम लोग इस बिजनेस को चलाते हैं, एक है वॉकिंग कस्टमर और एक है होम डिलीवरी। तो हम लोग सबसे ज़्यादा होम डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसका रीज़न भी मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। हमारे पास ये जो बिजनेस है ये बिल्कुल रोड साइड में ही है, लेकिन बिल्कुल चौरा में नहीं है, मेन चौरा में नहीं है, मार्केट के अंदर नहीं है। तो हमारे पास जो वॉक इन कस्टमर आते हैं वो पहले से ही बहुत कम था, तो मैंने दिमाग लगाया था कि हम लोगों को होम डिलीवरी करना चाहिए। 2015 से हम लोग फिलहाल होम डिलीवरी कर रहे थे, व्हाट्सएप से कर रहे थे, ओवर द फोन कर रहे थे, 2-4 घरों को हम लोग होम डिलीवरी करते थे। लेकिन 2020 में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया था, और उस एप्लीकेशन की मदद से हम लोगों ने थोड़ा इसको बूस्ट किया, एडवर्टाइजमेंट किया। एडवर्टाइजमेंट में मैंने 25,000 खर्च किए थे, और मुझे करीब 250 या 300 कस्टमर मुझे मिल गए थे, जो लोग हम लोगों को रेगुलर ऑर्डर देते थे, और तभी हम लोगों के पास 2 डिलीवरी बॉय हुआ करता था। अभी आज के डेट में सिर्फ 1 डिलीवरी बॉय है, जो है गौतम, उसी सेल्स पर्सन से हम लोग सारा होम डिलीवरी करवाते हैं। और तब हम लोगों ने एक एप्लीकेशन भी बनाया थे जिसका मुझे इनिशियली कॉस्ट आया था 35,000, और उसको डेवलप करवाते करवाते हम लोगों को कॉस्ट आ गया था 70,000-72,000 मुझे कॉस्टिंग आया था, और पर मंथ हमें उसका कॉस्टिंग देना पड़ता था 500 रुपये, 400
₹80 ऐसा कुछ देना पड़ता था, और SMS के लिए मुझे अलग से पे करना पड़ता था, जो बहुत ही नॉमिनल है। मतलब पर SMS हमें खर्चा होता था 20 पैसा या फिर 30 पैसा ऐसा कुछ। तो ये सारा चीज़ मैं कर रहा था, लेकिन वो एप्लीकेशन मैंने फ़िलहाल बंद करके रखा है। इसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है और वो ऑनलाइन था, दो अलग अलग चीज़ था। तो अलग अलग दोनों चीज़ का सबसे मैनेज करने वाली चीज़ जो होता है वो है प्राइस। किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया है तो वहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हम लोगों को ऐड करना पड़ता था। घट गया तो वहाँ पर भी घटाना पड़ेगा, वहाँ पर भी घटाना पड़ता था। और साथ ही में हम लोग इन्वेंट्री मैनेज करते हैं ऑफलाइन, और ऑनलाइन इन्वेंट्री को हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि हम लोग, मुझे दोनों जगह अलग अलग से करना पड़ रहा था। तो इस साल मैंने डिसाइड किया था कि मैंने वो एप्लीकेशन को हटा ही देंगे, एप्लीकेशन से हम लोग कुछ भी ऑर्डर नहीं लेंगे। क्योंकि जितने भी सारे कस्टमर थे वहाँ पे ऑर्डर देने के बाद हम लोगों को कॉन्टैक्ट करते थे कि हमें वो सामान ऐड करवाना है वगैरह वगैरह, करते करते धीरे धीरे वो सारे कस्टमर हमारे व्हाट्सएप पे आ गए थे। 99% कस्टमर व्हाट्सएप पे आ गए थे। तो एप्लीकेशन में ना ही हम लोग किसी ऐड चला रहे थे और ना ही ज़्यादा कोई भी ऑर्डर आ रहे थे। तो मैंने एप्लीकेशन को बंद ही कर दिया, क्योंकि फालतू में 500-600 रुपये क्यों ही देना है, तो उसको मैंने बंद ही कर दिया। लेकिन तब से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि कोई भी नया कस्टमर हम लोगों से और जुड़े ही नहीं, कोई भी नए कस्टमर नहीं जुड़े। लेकिन जब तक हमारे पास एप्लीकेशन था तब तक हमारे पर मंथ 5-6 कस्टमर तो जुड़ते रहते थे, कुछ कस्टमर निकल भी जाते थे, लेकिन 5-6 कस्टमर जुड़ते रहते थे। तो पिछले एक साल से मान के चलो कोई भी नए कस्टमर जुड़े नहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हम लोगों को व्हाट्सएप पे सिर्फ ऑर्डर लेना है, और क्योंकि मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ और ये सॉफ्टवेयर के भी काम कर रहा था, तो मैं थोड़ा उस तरफ भी बिजी हो गया था, तो सब कुछ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी भी होम डिलीवरी जो करते हैं वो व्हाट्सएप से ही करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। तो लेकिन हम लोग आगे कुछ और सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, जो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा। और उसके साथ साथ इस बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल पर हम लोग ले जाना चाहेंगे, मैं ले जाना चाहूँगा, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये सब कुछ दिखा देता हूँ कि हमारा इस महीने का टोटल कितना सेल है, कितना प्रॉफिट है, लास्ट 15 दिन में हम लोगों ने कितना सेल किया है, आज का सेल कितना है, कल का सेल कितना है। आज और कल अगर आप सेल देखोगे तो आप रो पड़ोगे, इतना मतलब घटिया सा सेल है। आप देख ही सकते हो कि बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़ोर शोर से, और कस्टमर बिल्कुल नहीं है, और मंथ एंड है तो बहुत लो सेल है, मतलब आप मतलब सोच भी नहीं सकते। और मैं ये भी दिखाऊंगा कितने परसेंट प्रॉफिट है। एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को मैं पूरा आप लोगों को समझा दूंगा कि रिपोर्ट का मतलब क्या है, कितना ऑर्डर वगैरह आया है, कितने हम लोगों ने ऑर्डर कंप्लीट किया है, टोटल महीने का कितना सेल वगैरह है, सब कुछ मैं दिखा दूंगा। लेकिन ये सेल देख के आप लोग जज मत करना, कभी कभार इससे भी 2 लाख ज़्यादा होता है, कभी कभार लगभग 1-2 लाख इससे कम भी हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं अभी फ़िलहाल, लेकिन हो भी सकता है। बारिश में भी कस्टमर आ रहे थे तो मुझे फिर से कंप्यूटर वगैरह ऑन करना पड़ा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो बिज़नेस है ना, ये जैसे कि मैंने बताया कि ये उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेबल बिज़नेस है। तो ये आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, पिछले 10 साल से मैंने जो देखा हुआ है कि आप कितने भी कम पैसों से भी इसको चालू कर सकते हो, और धीरे 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 आपका दुकान ना भरता जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका दुकान चले ही ना, अगर ऐसा कोई मतलब, ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर आपका लोकेशन बहुत अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा चलेगा, और कुछ ही दिनों में आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। लेकिन हमारा जैसा लोकेशन उतना भी अच्छा नहीं है, तो उस तरीके से हम लोगों को थोड़ा बहुत सोचना पड़ा, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना पड़ा, आपको भी वैसा करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रॉसरी बिजनेस पे हो तो आपको ना A to Z सामान रखना पड़ेगा। अगर आपके एरिया में जो सामान बिकता है, जो सामान लोग ढूंढता है, वो सामान आपको रखना पड़ेगा। कस्टमर को वापस नहीं जाना, मतलब खाली हाथ वापस भेजना ही नहीं है, तो किसी भी तरीके से आपको वो करना पड़ेगा। तो और ज़्यादा बातें ना करते हैं, पूरा एनालिटिक्स आप लोगों को दिखा देता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर।
तो कल था 31 तारीख, आज है 1 तारीख और मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। कल मैं घर चला गया था, तो सबसे पहले मैं कल का सेल दिखा देता हूँ। कल बहुत ही मतलब ख़तरनाक सेल हुआ था, आपको आप देख लो थोड़ा। कोई भी होम डिलीवरी नहीं था, ओनली वॉक इन कस्टमर था। तो एक ये जुलाई महीना मैंने सिलेक्ट कर लिया और अगर मैं टोटल दिखाऊं तो 3,650 रुपये का सेल है और इसमें हम लोगों को प्रॉफिट मिला है 384 रुपये। 10.5% रेशियो में हम लोगों को प्रॉफिट मार्जिन मिला है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब मैं आप लोगों को 14 तारीख से दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने 14 तारीख को वीडियो बनाया था। तो अगर 14 तारीख से मैं दिखाऊं, 14 से 31 तारीख तक, तो टोटल होम डिलीवरी और वॉक इन कस्टमर मिला के आप यहाँ पे देख लो, ये इस रिपोर्ट में आपको ये दिखेगा। गौतम रॉय जो भी दिखा रहा है वो सारा होम डिलीवरी है और जो वॉक इन कस्टमर था वो है 71,000 और गौतम रॉय वो है हमारा होम डिलीवरी पर्सन, उन्होंने बाकी सब होम डिलीवरी किया। टोटल 2,46,000 का सेल है। 8.7% रेशियो में हम लोगों को टोटल प्रॉफिट मार्जिन मिला, 21,500 समथिंग हमारा टोटल प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मिला। और यहाँ पे देखो 1,74,000 हम लोग सिर्फ होम डिलीवरी पे सेल किया। और अगर पूरे महीने का दिखाऊं तो जुलाई महीने 1 तारीख से 31 तारीख तक अगर मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊं तो ये देख लो, टोटल सेल है 5,28,000, 45,000 का हमारा प्रॉफिट है। 8.6% रेशियो में हम लोगों को प्रॉफिट मिला है और मेजॉरिटी जो हम लोगों का सेल हुआ है वो है होम डिलीवरी पे। 3,62,000 हमारा होम डिलीवरी पे सेल हुआ है, मतलब 65.4% सेल हम लोग सिर्फ होम डिलीवरी पे किया है और 1,65,000 हम लोग वॉक इन कस्टमर को अटेंड किया है। तो ये हमारा सेल है पूरे महीने का, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर होम डिलीवरी ज़्यादा करता हूँ, तो यही एक रीज़न है। तो ये था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से हम लोग जितने भी खर्चे हैं अब उसको निकालेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। खर्चे वगैरह जितने भी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा जो ऑन एन एवरेज ऑर्डर वैल्यू वो कितना है और हम लोगों ने कितने ऑर्डर कम्प्लीट किए। हम लोगों ने लास्ट महीने में 126 ऑर्डर कम्प्लीट किए, 3,62,000 का हम लोगों ने टोटल होम डिलीवरी किया है। तो अगर आप इसको ऑन एन एवरेज पर ऑर्डर का साइज देखोगे तो वो होगा लगभग 2,880 रुपये के आसपास। तो इस तरीके से हम लोग होम डिलीवरी कर रहे हैं और जितने भी हमारा प्रॉफिट निकलेगा, मतलब नेट प्रॉफिट होगा, उसमें से हम लोग थोड़ा सा हिस्सा किसी और बिजनेस में भी लगाएंगे। तो अगर आप लोगों के पास कुछ भी दिमाग में आ रहा है कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, मुझे कमेंट ज़रूर करो कि ये बिज़नेस पे हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा ऑटोमेट करके बिज़नेस चला सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में क्या क्या है, थोड़ा उसे भी हम लोग चाहे तो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तो अभी चलता रहेगा और आप लोगों को सारा चीज़ मैं वीडियो बना के पोस्ट करता रहूँगा। और क्योंकि मैं रियल लाइफ पे बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो उसका मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेट होता है क्योंकि मैं खुद उसमें इन्वॉल्व होता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कैमरामैन हूँ और मैं सिर्फ ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे खुद सब कुछ करना पड़ता है तो डिले थोड़ा हो सकता है। तो आप लोग इंतज़ार करना, थोड़ा देखना, क्योंकि कुछ भी शूट करके आप लोगों को तो वीडियो बनाने का कोई मतलब वो नहीं होता, तो उसको थोड़ा बहुत ढंग से बनाना भी होता है और कस्टमर के क्राउड के साथ अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें भी थोड़ा वो ठीक जमता नहीं है। दैट्स व्हाई थोड़ा लेट हो रहा है, कभी कभार लेट होगा ऐसा, लेकिन वीडियो ज़रूर आएगा। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। दिस इज सुमित, साइनिंग ऑफ, बाय।